साथियों, मैं आज बिहार के युवा साथियों से, बेटे बेटियों से विशेष तौर पर कहूंगा कि आपका एक वोट, आपके एक वोट की ताकत कम मत आंकना। जिस प्रकार से श्री कृष्ण उंगली पर गोवर्धन को उठाए थे, एक उंगली, और जिस प्रकार से ग्वालों ने समर्थन किया था, वैसे ही आपकी उंगली पर लोकतंत्र के सौभाग्य का जो चिन्ह लगने वाला है, मतदान आप जो करने वाले हैं, आपके एक एक वोट की ताकत है जो बिहार के उज्जवल भविष्य की गारंटी है, वो बिहार की ताकत बनने वाला है। चार दशक पहले जब आपके बाबा पर बाबा युवा थे, तब जेपी आंदोलन से जुड़कर उन्होंने देश की राजनीति को बदल दिया था। भ्रष्ट और लोकतंत्र विरोधी सरकार को उखाड़ने में उन्होंने अपना योगदान दिया था। उसके बाद 2005 में आपके पिता और आपकी माता की पीढ़ी के हाथ एक जिम्मेदारी आई। जैसे आपके दादा परदादा ने काम किया, उसी प्रकार से आपके माता पिता ने 2005 में 15 साल के कुशासन को सुशासन में बदलने के लिए अपनी ताकत लगा दी थी। उन्होंने भी पहले आपके दादा परदादा ने लड़ाई लड़ी, फिर आपके माता पिता ने लड़ाई लड़ी, और बहुत बड़ी मुश्किल लड़ाई लड़ करके बिहार को बाहर निकाला। अब इस दशक में आपको आत्मनिर्भर आधुनिक बिहार बनाने के लिए जो काम आपके दादा परदादा करके गए, जो काम आपके माता पिता ने किया, वो काम आज बिहार के नौजवानों को आगे बढ़ाना है, नई ऊर्जा के साथ बढ़ाना है। आत्मनिर्भर बिहार यानी बिहार का नेक्स्ट जनरेशन आईटी हब के रूप में विकास, आत्मनिर्भर बिहार यानी बिहार में नए दुग्ध प्रोसेसिंग, मिल्क प्रोसेसिंग उद्योगों का विकास, आत्मनिर्भर बिहार यानी बिहार में सैकड़ों नए किसान उत्पादक संघों का निर्माण, आत्मनिर्भर बिहार यानी बिहार के स्थानीय उद्यमियों, स्थानीय व्यापारियों का विकास, आत्मनिर्भर बिहार यानी बिहार के कुटीर उद्योगों का विकास, आत्मनिर्भर बिहार यानी स्थानीय भाषा में, मातृभाषा में मेडिकल इंजीनियरिंग जैसी तकनीकी शिक्षा की पढ़ाई, आत्मनिर्भर बिहार यानी आईटी पार्क, सॉफ्टवेयर पार्क, हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग पार्क का निर्माण, आत्मनिर्भर बिहार यानी हर गांव में इंटरनेट, हर पंचायत में इंटरनेट, आत्मनिर्भर बिहार यानी छठी कक्षा के ऊपर के सभी छात्र छात्राओं को कंप्यूटर की शिक्षा,